ये राजस्थान में जो सत्ता की अदला बदली का इतिहास है, हर बार रोटी पलट जाती है, हर 5 साल बाद, इस बार वही इतिहास रहेगा या कुछ पलट जाएगा आपको लग रहा है? नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से बनेगी, इसमें संदेह किसी को भी नहीं है। और पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता इस इंतजार में थी कि कब चुनाव का समय आएगा, उनको चुनने का समय आएगा, और वो समय आया। और पूरे मन से भाव से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजस्थान की जनता ने मतदान किया है, जी और परिणाम कल आपको देखने को भी मिलेगा कि बहुत ही अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। एक दूसरा सवाल जो हर कोई, आज जब मैं आपसे बात करने आ रहा था, मैंने जगह जगह पढ़ा, मतलब राजस्थान का एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि भाई जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी है, राजस्थान को भी उनके योगी मिल जाए सीएम। ऐसा देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रहा है। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि आज योगी जी भी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के ही योगदान है, उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं के आज्ञा से ही सब काम हो रहे हैं। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पद का उनको दायित्व मिला, जी तो वो दायित्व भी तो देने वाली पार्टी है, और अवसर देने वाला बड़ा होता है, करने वाला बड़ा नहीं होता। एक आखिरी सवाल, बंटवारे वाली राजनीति करते हैं आप लोग, ये आरोप लगते हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर ये बंटवारे और ये हिंदुत्व और ये सब अगर चल गया तो अलग बात है, वरना वो जीत रहे हैं। मतलब उन्होंने ये हालांकि माना है देखिए कि अगर ये सब तो चल गया, बंटवारे और कन्हैया का मुद्दा, अलवर में जो मंदिर वाला मुद्दा था उसको आपने बड़ी प्रमुखता से उठाया था, ये सब चल गया तो अलग बात है, वरना कांग्रेस जीत रही है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस तो कल को ये भी कहेगी कि भारत के लोग समझदार हो गए, इसलिए कांग्रेस पार्टी हार गई, क्योंकि कांग्रेस हर समय अपने देश के लोगों को मूर्ख बनाती आई है, गरीबी हटाओ का नारा देती आई है, लोगों से झूठे वादे करते आई है, जाति पाति पे लड़ाती आई है। तो कांग्रेस तो आज इस प्रकार की जो राजनीति कांग्रेस कर रही है, और जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग आज कुछ बात कर रहे हैं, और कल जब इनकी हार सुनिश्चित होगी उस पे ये कुछ और बात करेंगे कि ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, 100 तरह की बातें करेंगे, लेकिन जाति पाति की बात या धर्म की बात, इसको बताने की देश के लोगों को काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने हमेशा से जाति पाति की बात की, धर्म की बात की, तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया, तभी जाकर आज हमें इस देश के अंदर ये चर्चा होती है कि कौन किस जाति का है, इस जाति पाति की बात करने वाला कौन, इसको बढ़ाने वाला कौन है? कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन आज भारत की जनता एक है, और सारी की सारी लोग आज देश की चिंता करते और देश को आगे बढ़ाने के भाव से सब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। नहीं, चूंकि प्रधानमंत्री ने कन्हैया का मुद्दा उठाया कई बार, अलवर जी में जो मंदिर के साथ हुआ उसका मुद्दा आपने कई बार उठाया, तो अशोक गहलोत कांग्रेस का कहना है कि भाई आप जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे पोलराइज हो जाए, और फिर बंटवारे वाली क्यों नहीं राजनीति, उठाएंगे कन्हैया, अलवर मंदिर। ये क्यों नहीं उठाएंगे? कन्हैया की सरेआम दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी जाती है, आज तक उसके अपराधियों को सजा नहीं दिला पाए कांग्रेस के लोग, उसके साथ साथ में जयपुर ब्लास्ट के आरोपियों को सजा नहीं दिला पाए कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के लोग हमेशा देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों का साथ देते हैं, PFI जैसे संगठनों का साथ देते हैं, और कांग्रेस के लोग ऐसे कि जो एक मुस्लिम व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उसको 50 लाख रुपए मुआवजा देते हैं, उधर जो है कि एक गो तस्कर की हत्या हो जाती है उसको 25 लाख रुपए घर पर जाकर मुख्यमंत्री गहलोत मुआवजा देता है, और वहां पर मुख्यमंत्री आवास में, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, 2014 से पहले कांग्रेस के लोग इश्तेहार पार्टियां तो वहां देते हैं, कभी नवरात्रि का जागरण वहां नहीं लगाते, नौ दुर्गा का पाठ नहीं होता। क्यों नहीं उठाएंगे हम ये चीजें, जब देश में आप एक वर्ग को इस प्रकार से बहुत सुविधाएं देते हो, और जो नहीं तो बहुसंख्यक है फिर ये देश आप में पर भी आज मान आप जी आरोप लगेगा कि कल को आप जीते तो फिर इफ्तार पार्टियां होनी बंद हो जाएंगी और फिर नवरात्र और ये सब शुरू हो क्यों जाएगा। होंगी इफ्तार पार्टियां? एक तरफ तो कांग्रेस के लोग हमारे नवरात्रों पर, राजस्थान में क्या हुआ पिछले 5 वर्षों के अंदर, हमारी जो है कि शोभा यात्राओं पर प्रतिबंध लगाना, जागरणों पर प्रतिबंध लगाना, और उधर PFI को परमिशन देना, मतलब कांग्रेस के लोगों ने जो किया है, जिस प्रकार से करौली हिंसा की बात करेंगे, कांग्रेस के पार्षद वहां पर खुद उस हिंसा के अंदर मुख्य आरोपी हैं, लेकिन आज तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। कांग्रेस अपनी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करती है जोधपुर के अंदर कि रमजान का समय है, इस जो जिस क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की, वहां बिजली नहीं काटी जाए, तो क्यों नहीं करेंगे? आप देश में सब जनता का सम्मान करो, सबका विकास करो, एक वर्ग विशेष को आप इस प्रकार से देखते कि उसके तो 100 अपराध माफ है,
और जहां हिंदू बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है, हमारी बच्चियों को सरेआम जो है कि उनकी इज्जत लूटी जाती है, वहां पर कांग्रेस कोई संज्ञान ही नहीं लेती। ये दो रवैया, आपका रवैया नहीं चलेगा। एक तरफ सोनिया गांधी यूपी में लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, और राजस्थान में आप यहाँ पर अलवर के अंदर एक मूकबधिर बच्ची के साथ में बलात्कार होता है, आप रणथोर में बर्थडे पार्टी बनाती है और यहीं से 20 किलोमीटर दूर से वो निकल कर जाती है बाई रोड, और उस बच्ची के घर पर या उस बच्ची के बारे में एक शब्द तक नहीं बोला, तो ऐसे दोगुलापन आपका नहीं चलेगा। आप देश के लोगों के प्रति वचनबद्ध रहें और देश के संपूर्ण विकास की बात करें। धन्यवाद महंत बालकनाथ, अलवर से सांसद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। मान जी धन्यवाद चलिए। धन्यवाद।